दिलीप ट्रॉफी के लिए इंडियन सेलेक्टर्स ने चार टीमों की घोषणा तो कर दी है जो कि 5 सितंबर से शुरू होगी, लेकिन इन टीमों को अगर आप देखें तो बैलेंस थोड़ा सा ऑफ बैलेंस नजर आएगा आपको। हर टीम में कोई ना कोई चीज डोमिनेट कर रही है और कुछ ना कुछ मिसिंग आपको नजर आएगा। तो चारों जो टीमें हैं उनका हम एनालिसिस करने वाले हैं और जो की पॉइंट्स हर टीम से और टूर्नामेंट के प्रोस्पेक्टिव में निकल करके आएंगे उन पर डिटेल में बात करेंगे। तो आज हम टीम ए की बात करेंगे क्योंकि यहां पर अगर आप देखें तो सारा जो है वो मेन इंडियन टीम के प्लेयर्स का डोमिनेशन आपको यहां पर नजर आएगा। सीनियर खिलाड़ी आप कह सकते हैं कि ज्यादा नजर आएंगे। सबसे पहले आप देखें कप्तान इस टीम में शुभमन गिल को बनाया गया है जिनको इंडिया का फ्यूचर का कप्तान देखा जा रहा है, जहां पर यह भी खबर है कि टेस्ट क्रिकेट में भी उनको उपकप्तानी दी जा सकती है आने वाली सीरीज में। तो मयंक अग्रवाल, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, केएल राहुल, रियान पराग अब इंडिया खेल गए हैं तो मेन प्लेयर आप कह सकते हैं उनको। ध्रुव जोरेल आप इसमें दिखेंगे, शिवम दुबे आपको इसमें दिखेंगे। तो इस टीम में पहली चीज की सीनियर प्लेयर्स ज्यादा दिखेंगे आपको, भले ही बहुत सीनियर ना हो बट इंडियन क्रिकेट में नामी खिलाड़ी जो हाल फिलहाल में अपनी किसी ना किसी परफॉर्मेंस से किसी ना किसी फॉर्मेट में अपना नाम बना चुके हैं। प्लस आपको फास्ट बॉलर, यहाँ पर नंबर ऑफ फास्ट बॉलर आपको इस टीम में काफी दिखेंगे। स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर के रूप में तनुष कोटियान दिखेंगे, शिवम दुबे एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के ऑप्शन के तौर पर दिखेंगे। अब अगर इस टीम की 11 बनेगी तो कौन से खिलाड़ी मिस आउट करेंगे, क्योंकि कई सारे सीनियर खिलाड़ी हैं तो यंग खिलाड़ियों को उनके लिए जगह बनानी पड़ेगी। आप देखिए ओपनिंग तो यहाँ पर शुभमन गिल और मयंक अग्रवाल आपको साफ साफ दिख रहा है, लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि शुभमन गिल इंडिया के लिए अभी 3 नंबर खेल रहे हैं लेकिन इस टीम में ओपन कर रहे होंगे क्योंकि दूसरा ओपनर आपको यहाँ पर नजर नहीं आता। केएल राहुल भी अब मिडिल ऑर्डर ही खेलते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि वो यहाँ पर ओपन करेंगे, तो उनके लिए भी वो जगह मिडिल ऑर्डर में ही रहेगी और शुभमन गिल को यहाँ पर ओपनिंग करनी पड़ेगी। इंडियन टीम के लिए 3 नंबर खेल रहे हैं यहाँ पर ओपनिंग करेंगे, कहां तक जायज है, क्योंकि अगर शुभमन गिल इंडियन टीम के लिए 3 नंबर खेल रहे हैं तो यहां पर भी उनको 3 नंबर पर ही खेलना चाहिए, लेकिन क्या ओपनिंग करके ज्यादा बल्लेबाजी का मौका मिल सकता है या चैलेंजेस ज्यादा होंगे ओपनर के लिए नई गेंद के सामने खेलना, इंटरेस्टिंग सिनेरियो रहेगा शुभमन गिल के लिए। बट मुझे लगता है कि जिस तरह का टीम कॉम्बिनेशन है वहां पर शुभमन और मयंक जो है वो ओपन करेंगे। तिलक वर्मा मुझे लगता है कि 3 नंबर खेलेंगे यहाँ पर, अपनी रणजी ट्रॉफी टीम के लिए भी वो इसी नंबर पर खेलते हैं, हालांकि वो नीचे भी खेलते हैं क्योंकि यहाँ पर आपके पास केएल राहुल भी हैं मिडिल ऑर्डर में, 3 और 4 तिलक वर्मा और मयंक यादव रहेंगे मुझे लगता है। उसके बाद नंबर 5 पर बात की जाए तो रियान पराग आपको यहाँ पर दिखेंगे। रियान पराग का भी बैटिंग ऑर्डर मोस्ट लाइकली यही रहता है कि अपनी रणजी ट्रॉफी टीम के लिए वो इन्हीं नंबर्स पर खेलते हैं, मिडिल ऑर्डर या लोअर मिडिल ऑर्डर कह लीजिए आप एक तरह से। देन ध्रुव जोरेल आपके एक विकेट कीपर बैट्समैन हो जाते हैं। कुमार कुशागर भी हैं बट मुझे लगता है कि ध्रुव जोरेल इंडियन टीम में अपनी जगह बना चुके हैं, सीनियर प्लेयर हैं तो पहले मौका उनको मिलेगा अगर उनको सेलेक्ट किया गया है। उसके बाद शिवम दुबे की भी जगह बनेगी, लेकिन आप देखें कि शिवम दुबे की जगह बनाने से आपको एक बैट्समैन कम करना पड़ेगा। शिवम दुबे एज ए ऑलराउंडर खेल रहे हैं और उनसे टेस्ट क्रिकेट में भी एज ए ऑलराउंडर काम निकलवाने की कोशिश की जा रही है बट मुझे नहीं लगता, लेकिन हाँ मैं ये जरूर कहूंगा कि ये दिलीप ट्रॉफी खेलने से उनको व्हाइट बॉल क्रिकेट में इसका फायदा मिल सकता है, ओवरऑल उनकी क्वालिटी इंप्रूव करने के मामले में, चाहे वो गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी हो। रणजी ट्रॉफी जब वो पिछले साल खेले थे उनका प्रदर्शन अच्छा रहा था, लेकिन रणजी ट्रॉफी के मुकाबले दिलीप ट्रॉफी का लेवल आपको ऊपर नजर आएगा क्योंकि बहुत सारे टॉप प्लेयर इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं। उसके बाद बात तनुष कोटियान की जाए तो तनुष कोटियान वो खिलाड़ी जो इस बार रणजी ट्रॉफी में 500 से ज्यादा रन और 25 के आसपास विकेट लेकर के गया, तो एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस उनकी तरफ से देखने को मिली। मुंबई अगर इस बार चैंपियन बनी तो उसमें तनुष कोटियान का बहुत बड़ा रोल था क्योंकि जब जब मुंबई की टीम नीचे फंसी 8 नंबर पर आके उन्होंने कई सारी 50 से ज्यादा रनों की पारियां खेली, सेंचुरी भी उनके बल्ले से एक निकली थी और साथ में जो क्रूशियल विकेट्स लेते गए। सो इंडियन क्रिकेट में जो एक स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर, स्पेशली ऑफ स्पिनर जो स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर हो, वो तनुष कोटियान अब ऑप्शन दे रहे हैं। बल्लेबाजी अगर आप देखेंगे तो बहुत कन्विंसिंग नहीं लगी मुझे ऑनेस्टली, रन उन्होंने जरूर 500 से ज्यादा किए, ज्यादा वो मुझे शॉर्टर फॉर्मेट ऑफ द गेम के बैट्समैन लगे, लेकिन उन्होंने यहाँ पर स्कोर बहुत कर दिया और मजे की बात जब शॉर्टर फॉर्मेट ऑफ द गेम में उनको खेलने का मौका मिला आईपीएल में, उन्होंने ओपन किया तो बहुत ऑर्डिनरी नजर आए, लेकिन जितना उनको देखा है पिछले के सालों में भी और ओवरऑल क्रिकेट उनकी समझे तो बैटिंग कर सकते हैं, वो बड़े शॉट्स लगा सकते हैं, उनके पास वो काबिलियत है, लेकिन क्वालिटी कितनी है बल्लेबाजी में ये मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन मार्क रहेगा। गेंदबाजी कर सकते हैं और गेंदबाजी में भी
शॉर्टर फॉर्मेट ऑफ द गेम की चालाकियां उनकी गेंदबाजी में ज्यादा दिखती हैं, लेकिन इसके उलट जाके इस खिलाड़ी ने लॉन्ग फॉर्म ऑफ द गेम में ज्यादा सक्सेस सोलो के दिखाया है। जो खिलाड़ी मैं कई सालों से होप कर रहा था कि T20 क्रिकेट पहले खेलेगा, IPL में पहले कोई उनको पिक करेगा, लेकिन एक आउटस्टैंडिंग रणजी ट्रॉफी सीजन के बाद उनको राजस्थान रॉयल्स ने पिक किया, उतना मौका भले ही नहीं दिया क्योंकि उनके पास आर अश्विन और युजवेंद्र चहल के रूप में ऑलरेडी दो स्पिनर थे, तो इनको खिलाने का चांस बनता ही नहीं था। एक मौका मिला था जिसमें कुछ खास उन्होंने वैसे किया नहीं। उसके अलावा बात की जाए कुलदीप यादव, और कुलदीप यादव के लिए दिलीप ट्रॉफी रेड बॉल क्रिकेट में उनके लिए जो दरवाजे एक तरह से बंद चल रहे हैं, खास करके ओवरसीज टूर्स पर जब जाते हैं और एक ही स्पिनर खिलाना होता है तब बहुत मुश्किल होती है कुलदीप यादव के लिए जगह बनाना। इंडिया में तो होता है कि तीन स्पिनर खिला लो आपके लिए कुलदीप यादव के लिए जगह बन जाती है, बट ओवरसीज नहीं बन पाती है। और इस दिलीप ट्रॉफी में अगर कुलदीप यादव जैसे रिदम में गेंदबाजी कर रहे हैं, वैसे गेंदबाजी करते हैं और विकेटों की जड़ी लगाते हैं, ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए तगड़े कंटेंडर होंगे। देखो इंडियन क्रिकेट में अभी जो स्पिनर्स हैं, चार मेन स्पिनर्स आप बात करिए जो कंटेंशन में हैं, जिसमें अश्विन, जडेजा, तीसरे कुलदीप है, चौथे अक्षर है। तो अक्षर पटेल का तो जडेजा लाइक टू लाइक हो जाता है, वहां पर रविंद्र जडेजा को अभी भी टेस्ट क्रिकेट में प्रेफर किया जा रहा है और किया जाएगा। अश्विन का दूसरा रिप्लेसमेंट आपको हाल फिलहाल नजर नहीं आता, तो अश्विन भी रहेंगे, कुलदीप की अपनी जगह। लेकिन होता क्या है कि कुलदीप यादव जब खेलते हैं तो फिर आपको थोड़ा बल्लेबाजी में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, इस वजह से हमेशा आप जो है वो अश्विन या जडेजा में से किसी ना किसी को प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर कुलदीप यादव गेंदबाजी से वो एक्स फैक्टर दे सकते हैं, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया टूर पर, तो फिर थोड़ा बहुत बल्लेबाजी में कॉम्प्रोमाइज करना भी आप अफोर्ड कर सकते हैं या अपना टीम कॉम्बिनेशन बदल सकते हैं। आप अभी तक जिस कॉम्बिनेशन में खेलते हैं जिसमें तीन मेन फास्ट बॉलर, एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर और एक स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर के साथ खेलते हैं, फिर आप पुराने कॉम्बिनेशन पर भी जा सकते हैं जिसमें सात बैट्समैन, एक स्पिनर, तीन मेन फास्ट बॉलर, उस तरह के कॉम्बिनेशन के साथ भी खेल सकते हैं अगर कुलदीप यादव अपनी बॉलिंग में वो एक्स फैक्टर दिखाते हैं। अब यहां पर बच गया फास्ट बॉलिंग का पचड़ा और पांच तेज गेंदबाज हैं और आपको पांच में से तीन ही पिक करने हैं। आपको अब ये देखना पड़ेगा कि कौन से फास्ट बॉलर इंडिया के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पैकिंग ऑर्डर में आगे हैं। उस हिसाब से आकाशदीप मेरे लिए नंबर वन है, वो इंडिया खेल चुके हैं और आने वाली सीरीज में भी वो इंडिया खेलेंगे। उसके बाद आप देखिए प्रसिद्ध कृष्णा को आपने साउथ अफ्रीका खिलाया था, उनकी वापसी आप करा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आप उनको मौके देंगे और वो पोटेंशियली उस तरह के गेंदबाज हैं जो हिट द डेक गेंदबाजी करते हैं, हाइट जिनकी अच्छी है, अच्छा बाउंस एक्सट्रैक्ट करते हैं, ऑस्ट्रेलियन विकेट के हिसाब से बहुत सूटेड प्लेयर हो सकते हैं। उनकी दिक्कत फिटनेस रही है, तो पहली चीज उनको अपनी फिटनेस प्रूव करनी है, दूसरा खेलना है तो फिर उनको परफॉर्म करके दिखाना है। और यहाँ पर जब आप लेके आए हैं तो कहीं ना कहीं वो सेलेक्टर्स के दिमाग में है और उनके स्कीम ऑफ थिंग्स का हिस्सा प्रसिद्ध कृष्णा है, इसी वजह से उनकी वापसी स्ट्रेट अवे यहाँ पर होती हुई दिख रही है। देन आपको एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर चुनना रहेगा, क्योंकि अगर आप चारों स्क्वाड देखें तो हर किसी में सेलेक्टर्स ने एक एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जरूर डाला है और सेलेक्टर्स की ये इंटेंशन है कि एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जो है वो जरूर अपने स्क्वाड में ऐड किया जाए जब आप ऑस्ट्रेलिया खेलने के लिए जाएंगे। तो इस हिसाब से लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर एक ही बच गया इसमें, जो खलील अहमद है, तो मुझे लगता है कि ये 11 कुछ बनेगी। वैद्युत कबीरप्पा और आवेश खान को इंतजार करना पड़ेगा, कुमार कुशाग्र अभी बेंच पर बैठेंगे और शाश्वत रावत जिनका मैंने जिक्र नहीं किया, रणजी ट्रॉफी में बड़ौदा के लिए बहुत शानदार सीजन उनके लिए गया, काफी सारे रन उन्होंने बनाए, यंग खिलाड़ी हैं, बट अभी इस टीम में जगह बनाना शायद थोड़ा मुश्किल है। हो सकता है कि सेकंड राउंड में जब टीमों में उलट फेर हो तब उनके लिए जगह बन पाए। तो दोस्तों ये कुछ दिख रही है टीम ए, बाकी बैलेंस तो ठीक है, बैटिंग हैवी दिख रही है, बॉलिंग भी ठीक है, तो अच्छी टीम दिख रही है। ओवरऑल ये टीम जो है वो अच्छी दिख रही है, टॉप टू की टीम लग रही है मुझे, अगर आप ऑनेस्टली पूछे तो टॉप टू की टीम लग रही है। ऐसे हम चारों टीमों के बताएंगे कौन सी टीम कहां पर लग रही है, बट लास्ट में आपको बताएंगे नंबर वन टीम कौन सी। आप भी बताइए ये टीम आपके हिसाब से पैकिंग ऑर्डर में कहां पर आती है, नंबर वन की टीम है, दो की टीम है, तीन की टीम है, चार की टीम है, चारों टीमों में से। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।